गाइस, ओला इलेक्ट्रिक के काफी ज्यादा न्यूज निकल के आ रहे हैं और लास्ट वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा, ओला एस वन प्रो एंड दी ओला एस वन एयर एंड ओला एस वन एक्स के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। गाड़ी कुछ खतरनाक ही ला रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक वाले। और वैसे भी भाई साहब, ओला एस वन प्रो में सबसे बड़ा चेंजेस मेरे को लगा है। बाकी दो गाड़ियों तो चलो हमको पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, बट ओला एस वन प्रो का एकदम सरप्राइज था। उसका जब फ्लोर बोर्ड मैंने देखा भाई, एकदम फ्लैट कर दिया। रियर में आपको नया स्विंग आर्म देखने को मिल रहा है, डुअल सस्पेंशन कर दिया ज्यादा अच्छा कंफर्ट करने के लिए। फ्रंट में भाई साहब डुअल सस्पेंशन दे दिया, जिसकी एक्चुअल में लोगों की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन एक चीज मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, ओला एस वन प्रो हो चाहे ओला एस वन एयर हो चाहे ओला एस वन एक्स हो, वो है रियर का जो स्विंग आर्म, उसको कवर अप करने के लिए कुछ होना चाहिए। वो विदाउट कवर अप इतना बेकार दिख रहा है कि मैं क्या ही बोलूं। इवन इन्होंने कुछ इमेजेस पहले बताई थी ओला एस वन एयर की, उसमें बकायदा जो रियर स्विंग आर्म है उसको कवर अप किया गया था, बट एक्चुअल में जब इमेजेस देखने को मिल रही उसमें कोई भी कवर अप नहीं है। तो एटलीस्ट उसको कवर अप करने के लिए कुछ अगर ओला इलेक्ट्रिक प्रोवाइड कर दे तो एक्चुअल में गाड़ी काफी अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ओला एस वन प्रो में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक साइड आपको बेल्ट ड्राइव सिस्टम मिलता है, तो बेल्ट ड्राइव के ऊपर एक कवर तो दिया है, बट दूसरे साइड उतना कुछ खास नहीं लग रहा। लेकिन सबसे अच्छी चीज है कि इसकी हैंडलिंग काफी अच्छी हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे यूज हो रहा है डुअल सस्पेंशन, और डुअल सस्पेंशन फ्रंट में काफी जरूरी है इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे खड्डे ज्यादा है रोड कम है। वैसे देखा जाए तो ओला इलेक्ट्रिक ने काफी अच्छा मूव किया है, जिन लोग को इश्यूज थे ओला इलेक्ट्रिक के जो सस्पेंशन है वो फाइनली खत्म हो जाएंगे जो नए यूजर है उनके लिए। और ओला को पता है कि भैया लास्ट टाइम जो इश्यूज हुआ था फ्रंट सस्पेंशन टूटने का, उस कारण से वो ऑलरेडी काफी ज्यादा लॉस पे जा चुके थे, ज्यादा लॉस पर जा चुके थे, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट वो चेंज करवा रहे थे। लेकिन कंपनी ने बोला ना इधर ना उधर, सीधा सीधा ऐसा सस्पेंशन देते हैं जिसमें ना आगे जाके कोई दिक्कत नहीं हो, तो सारी गाड़ी में जॉइन कर दिया फ्रंट में सस्पेंशन। लेकिन ये बात नहीं है आज की बात है भैया, ओला एस वन एयर की अभी तक बुकिंग कितनी आ चुकी है, सबसे बड़ा सवाल ये चल रहा है कि कितने लोगों ने इसको बुक किया। टिल 3 days back 50,000 बुकिंग आ चुकी है ओला एस वन एयर की, यानी 50,000 लोगों ने पेमेंट कर दिया, और अभी 15 तारीख काफी दूर है, तो मेरे हिसाब से 1,00,000 बुकिंग आ जाएगी। और कंपनी ने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको 2 million कर दिया है पर ईयर, यानी कि अब ज्यादा गाड़ी ये बना सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि ये हर सिटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ओला एस वन एयर को। जब इनिशियल फेज में ओला कंपनी थी तब वो पॉसिबिलिटी नहीं थी, बट अभी के टाइम में ओला काफी जाइंट हो चुकी है और इनके जो नेटवर्क काफी ज्यादा हो चुके हैं। तो जो लोगों ने बुक किया है तो ये मत समझना कि पहले बैंगलोर मिलेगा फिर दूसरे सिटीज मिलेगा, सबको इकट्ठे मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि काफी अच्छी चीज है। ओला इलेक्ट्रिक को पता चल चुका है कि कैसे इंडियन कस्टमर्स को हैंडल करना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे अच्छी गाड़ी होगी वो ओला एस वन एक्स है। एक्चुअल में गाड़ी काफी लोग बोल रहे थे कि बाइक होगी, बट फाइनली ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कि आपको कम दाम में मिलने वाली है। और ये गाड़ी का जो पिक्चर ये ज्यादा देखने को नहीं मिला, बस वो टेम्पलेट है उसमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ओला एस वन एयर का जो वीडियो है आज पूरे मीडिया पे देखने को मिल रहा है, पूरे इंस्टाग्राम में देखने को मिल रहा है, क्योंकि मीडिया को परमिशन मिल चुकी है, क्योंकि जो इमेज लीक हुआ उनको ऑलरेडी पता चल चुका है भाई इमेज तो लीक हो चुका है, इससे अच्छा चलो वीडियो पब्लिश करने दो। तो सारे मीडिया को परमिशन मिल चुकी है ओला एस वन एयर की वीडियो पब्लिश करने के लिए, बट जो एक्चुअल प्रोडक्ट है ओला एस वन प्रो जो कि चेंजेस काफी ज्यादा है, एंड दूसरी ओला एस वन एक्स, ये दोनों को पब्लिकली करने का अभी मना किया गया है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही अपडेट था। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, इसमें एड ऑन करना चाहूंगा जो मैं भूल गया था, जो इसमें टच स्क्रीन यूज हो रहा है ओला एस वन एयर में, ओला एस वन एयर में उसकी क्वालिटी सेम है ओला एस वन जैसी। तो कंपनी ने यहाँ पे जो टच स्क्रीन पे जो रेजोल्यूशन कम था, जो पिक्सलेट कम था, उसको हटा दिया है। जो रेगुलर इनका टच स्क्रीन है सेम वही टच स्क्रीन यूज किया गया ओला एस वन एयर के लिए, तो ये काफी अच्छी गुड न्यूज है आप लोगों के लिए अगर आपने ओला एस वन एयर बुक किया है तो। सो गाइस, आज की वीडियो बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज नीचे सब्सक्राइब का बटन फटाफट से क्लिक करो और इस चैनल को सपोर्ट करो, क्योंकि आपको ऐसे न्यूज जल्द से जल्द मिलते हैं। और चैनल को चेकआउट कर लेना, क्योंकि बाकी न्यूज भी मैं देता रहता हूं, तो भाई कहीं से मिस ना हो जाओ, कोई दूसरी न्यूज भी मिस नहीं करना। बाय बाय।